Good morning kids, how are you all? Today we have to learn English in standard 4. So standard 4 में आज हम English पढ़ने वाले हैं. Last time मैंने आपको unit number 8 पे जो हमारी unit 8 का first topic था books, तो वो poem अच्छे से explain कर दी थी. I hope सभी बच्चों ने अच्छे से घर पे reading और practice की होगी और ये सारे hard words भी अच्छे से लिखे होंगे. So आज मैं इसकी exercise करवाने वाले हूँ. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज में हमें क्या दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 136 पे यहाँ पे एक्सरसाइज दी है. फर्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग इज़ फन, तो उसमें हमेशा हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं. तो ये क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. कोई भी बच्चा टेक्स्ट बुक में नहीं लिखेगा. फिर से बता रही हूँ कि कोई भी बच्चे को टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है. सभी बच्चों को वीडियो में देख देख के नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं. मैं जो यहाँ पे समझा रही हूँ अच्छे से देख लेना, समझ लेना और बाद में लिखना. ओके ऐसा लगे तो फर्स्ट वीडियो में समझ लेना, सेकंड टाइम रिपीट कर लेना तभी लिख लेना. तो फर्स्ट दिया है हमें व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से. What did the library door say? Library door जो है वो हमें क्या कहता है, तो हमें लिखना है the library library door said. The library door said क्या बोलता है. उसके बाद हम करेंगे कॉमा और आपको लिखना है inverted कॉमा में, डबल inverted कॉमा में come in कॉमा come in, inverted commas over. ओके और उसके बाद full stop. तो ये पूरा आंसर लिखना है द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन कॉमा कम इन, इन्वर्टेड कॉमास आर ओवर एंड फुल स्टॉप. ओके फिर से एक बार व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से. लाइब्रेरी डोर क्या कहता है. द लाइब्रेरी डोर सेड एस ए आई डी सेड कम इन कम इन. उसके बाद है What did the books in the library look like? यानी कि जो लाइब्रेरी की बुक है वो कैसी दिखती है, लुक लाइक मतलब कैसी दिखती है. तो आपको आंसर्स में लिख आंसर में क्या लिखेंगे आप, The books in the library, इतना आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है. फिर से The books in the library, उसके बाद लिखेंगे L double O K D looked tall, T A double L tall एंड एस के आर डबल एन वाई स्किनी और उसके बाद है फुल स्टॉप. ओके फिर से व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक. लाइब्रेरी की बुक कैसे दिख रही थी, तो आपको लिखना है द बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की जो बुक्स है वो लुक्ड कैसे दिख रही थी, टॉल एंड स्किनी, टॉल और स्किनी दिख रही थी. Why did the child in the poem like looking at the pictures? Why did the child in the poem, poem में जो बच्चा है like looking at the pictures, तो वो बुक में पिक्चर्स की तरफ क्यों देख रहा है. तो हम आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही लिखना है पहले, The child in the poem liked, L-I-K-E-D, liked looking at द पिक्चर्स. उसके बाद लिखेंगे बी ई सी ए यू एस ई बिकॉज इट टोल्ड स्टोरीज, एस टी ओ आर आई ई एस स्टोरीज. द चाइल्ड इन द पोयम लाइक्ड लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज इट टोल्ड स्टोरीज. वो क्या बता रहा था, स्टोरीज बता रहा था, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो पिक्चर्स को देख रहा था और पिक्चर्स की वजह से उसे स्टोरी पता चल रही थी. तो फिर से एक बार मैं क्वेश्चन आंसर्स रिपीट कर लेती हूँ. तो फर्स्ट दिया है हमें व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से, आंसर है द लाइब्रेरी डोर से इट कम इन कम इन. व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक, द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक्ड टॉल एंड स्किनी. Why did the child in the poem like looking at the pictures? आंसर आएगा the child in the poem liked looking at the pictures because it told stories. ओके उसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे दिया गया है What word signs
हैव यू सीन और हर्ड, यानी कि आपने कौन से वर्ड साइन देखे हैं और सुने हैं। तो आप जब भी इस ये सारी जगहों के नाम लिए हैं तो आप उस जगह पे जाते हो तो कौन से टाइप के साइंस आपने देखे हैं और सुने हैं। तो फर्स्ट आपको दिया है यहाँ पे एट होम, घर पे होते हो तो क्या साइंस होते हैं, WELCOME वेलकम, WELCOME वेलकम। एट द वेजिटेबल शॉप, यानी कि जब आप वेजिटेबल शॉप पे जाते हो ख़रीदारी करने के लिए तो वहाँ पे कौन से टाइप के आपने साइंस देखे हैं, तो लिखा होगा DODNOT BARGAIN बारगेन, डू नॉट बारगेन, मतलब आप भावतोल मत करो, तो डू नॉट बारगेन। उसके बाद है एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या देखा होगा तो KEEP कीप SILENCE साइलेंस, कीप साइलेंस यानी कि शांति रखो। एट द डॉक्टर्स प्लेस, यानी कि डॉक्टर की जगह पे जाते हैं तो क्या लिखा होता है, STAY स्टे, HEALTHY हेल्दी, स्टे हेल्दी मतलब सुरक्षित रहो, अच्छे स्वस्थ रहो। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे क्या लिखा होता है, PLASE प्लीज कॉमा प्लीज़ स्टैंड इन अ लाइन, STANDY स्टैंड इन अ लाइन, LINE लाइन, प्लीज़ स्टैंड इन अ लाइन, तो लाइन में खड़े रहो। एट द टॉय शॉप, टॉय शॉप पे क्या लिखा होता है, कम COME कम एक्सक्लेमेशन मार्क लेट्स प्ले, आओ चलो खेले, तो आओ चलो खेले कम लेट्स प्ले, तो ये टॉय शॉप पे लिखा होता है। तो फिर से एक बार, एट होम वेलकम, एट द वेजिटेबल शॉप डू नॉट bargain, एट लाइब्रेरी कीप साइलेंस, एट द डॉक्टर प्लेस स्टे हेल्दी, एट द बस स्टॉप प्लीज स्टैंड इन अ लाइन, एट द टॉय शॉप कम लेट्स प्ले। ओके, तो वेलकम मतलब आओ, डू नॉट bargain मतलब भावतोल मत करो, कीप साइलेंस मतलब शांति से रहो, स्टे हेल्दी सुरक्षित रहो, प्लीज़ स्टे इन अ लाइन, प्लीज़ लाइन बना के खड़े रहो, कम लेट्स प्ले, आओ चलो खेले। ओके, तो आपने ये देखा ही होगा हर जगह पे जाते हैं तो, इस जगह पे जाते हैं तो, है ना, तो पोस्टर्स लगाए होते हैं वर्ड में, तो ये है वर्ड पोस्टर्स। ओके, सो किड्स आज के लिए बस इतना ही, मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं अच्छे से, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर्स इसे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।